अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि मौके पर मौजूद किसानों ने मंत्री अजय भट्ट का जमकर विरोध किया। किसानों का प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। पिछले 7 सालों में देश की कायाकल्प हो गई है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भोग विलास के लिए राजनीति में नहीं आते, राजनीति सेवा का माध्यम है, हम सेवा करने के लिए आते हैं। तो इस बार जैसे आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया, आशीर्वाद दिया और मोदी जी की सरकार आई, और मोदी जी ने जो आशीर्वाद आपने दिया था उसके एवज में देश को आगे ले जाने का काम किया। अगर आप देखेंगे 2014 से इस समय तक 7 सालों के अंतर्गत, तो आज देश की कायाकल्प लगभग हो गई है। आज विश्व में हम सर्वश्रेष्ठ देशों में चुने जाते हैं, हमारा नाम जाना जाता है। तो इसी तरह से जन आशीर्वाद में जैसे मुझे आपने सांसद बनाया, मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ कि जो मुझे मोदी जी की टीम में शामिल किया है, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे हमारे साथ, ताकि मैं मजबूती के साथ जो क्षेत्र के मामलों को उठाते रहा हूँ संसद में, और इसी तरह से विकास कार्यों में भी कहीं पीछे न रहे, जन उपयोगिता के जितने भी मापदंड है उन पर खरा उतर सकूं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमकेएन संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव। प्रदीप, क्या जानकारी है बताइए। प्रदीप, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, प्रदीप जी बताइए क्या जानकारी है। हाँ जी, आपको बता दूं, कल हमारे पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद अजय भट्ट जसपुर पहुंचे जी, जिस पर बॉर्डर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनका पूरा काफिला जसपुर नगर गांधी पार्क कोतवाली होते हुए सुभाष चौक बस स्टैंड तक पहुंचा। उसके बाद जहां उनकी जनसभा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, तो वहीं उससे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता किसान नेता कहे जाए, उन्होंने काफी विरोध किया, विरोधाभास किया, कृषि कानून बिल को लेकर के सड़क पर बैठ गए, लेकिन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच उनको काफिले को लाया गया। उसके बाद उनकी जनसभा हुई, जो विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया। प्रदीप, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है बीजेपी की, इसे आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, तो इसे लेकर के किसानों में किस तरह का रुख है? क्या इसे लेकर के उन्होंने इसी वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? जी जी, एक तरफ से आशीर्वाद रैली के नाम से जनसभा की जा रही है, इनका आगमन 2022 को लेकर के किया जा रहा है। कवायद तेज है, लगातार देखा जा रहा है, हर पार्टी जो है इस समय पूरे जो खरोच है, वही भाजपा भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। इसके लिए जन आशीर्वाद रैली के तहत यहाँ जनसभा भी की है, लेकिन कृषि बिल को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा कड़ा विरोध भी देना पड़ेगा। इसका जो भुगतान जो है इनका भारी पड़ सकता है। प्रदीप, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया है, वहाँ पे जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ आ रही हैं, और इसे लेकर के किस तरह का वहाँ पे माहौल देखा गया, किस तरह का इंतजाम किए गए थे कोविड को देखते हुए? ये कार्यकर्ताओं में तो काफी जोश खरोश था, लेकिन जो विरोधाभास मैंने आपको बताया है कि किसान इतना विरोध प्रकट कर रहे थे वहाँ, लेकिन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिस बीच वहाँ किसी प्रकार की अनहोनी, इस प्रकार की घटना, ऐसी घटना नहीं घट पाई, ऐसी घटना नहीं घट पाई, क्योंकि प्रशासन भारी संख्या में मुस्तैद था, जिसके तहत जो विरोधाभास किसान विरोध कर रहे थे उनको एक घेरे में ही बैठाकर उनका प्रदर्शन कराया गया। एक तरफ अजय भट्ट जी को जनसभा स्थल के लिए रवाना कर दिया गया था। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का जसपुर दौरा, उत्तराखंड के जसपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पहली बार पहुंचे, और
किसानों का विरोध प्रदर्शन कृषि बिल को लेकर के लगातार चल रहा है।